तो किया गया दोस्तों, मेरा नाम सानू। दोस्तों कई बार ये होता है कि हम लोग जब भी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और मुझे जो है जनरल का टिकट करवाना होता है दोस्तों, बहुत सारी लंबी लाइन होती है जिसके कारण दोस्तों बहुत टाइम लग जाता है वहाँ पे, बहुत मेरा टाइम वेस्ट होता है और उसके बाद दोस्तों हम लोग टिकट जो है कटवा पाते हैं जनरल का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप अपने मोबाइल से जनरल ट्रेन का टिकट काटना चाहते हैं, लोकल ट्रेन हो, सुपर फास्ट हो, सुपर हो, एक्सप्रेस हो, तो अगर आप इस तरह का ट्रेन का टिकट अपने मोबाइल से ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बट दोस्तों उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में एक बेल आइकन का उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए हम आपको लेकर चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और वहाँ पे आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च करना आपको UTS, दोस्तों इसे UTS सर्च करना है। इसके बाद यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लेना है। इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों ये जो है आपका इंस्टॉल हो जाएगा UTS एप्लीकेशन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलिंग हो गया दोस्तों पूरा। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन लिखा है, तो ओपन पे हम क्लिक करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आपके पास पहले से अकाउंट नहीं बना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे शो करेगा रजिस्टर, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मोबाइल नंबर डालूंगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका नाम डालने बोलेगा, तो यहाँ पे आपको नाम डाल लेना है। नाम डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पासवर्ड चूज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से कन्फर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेल चूज कर लेना है, फीमेल जो भी होंगे आप जेंडर में यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एक्सेप्ट, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ जनरेट ओटीपी, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद जो है आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उसके बाद दोस्तों उस ओटीपी को यहाँ पे डाल करके वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो है अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो चलिए यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालते हैं, यहाँ पे लॉगिन पे हम क्लिक करें। दोस्तों आप देखते हैं मैंने जो है लॉगिन कर लिया पासवर्ड डाल करके। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन शो करेगा जिसमें आपको बुक टिकट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने में दोस्तों आप देखते हैं आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको टिकट बुकिंग करने के लिए आपको रेलवे स्टेशन से मिनिमम 15 मीटर दूरी पे रहना चाहिए दोस्तों, और मैक्सिमम आपको 2 किलोमीटर दूरी पे होना चाहिए, तभी दोस्तों आप यहां से अपने मोबाइल से ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं जनरल का। तो दोस्तों बुकिंग करने के लिए आप देख सकते हैं यहां पे बहुत सारा आपको ऑप्शन शो करेगा, नॉर्मल बुकिंग, क्विक बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट, सीजन टिकट, QR बुकिंग। तो यहां पे आपको करना है नॉर्मल बुकिंग पे क्लिक। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पेपरलेस है, यहाँ पे पेपरलेस पे क्लिक करना है। पेपरलेस पे क्लिक करने में दोस्तों ये देख सकते हैं आपको लोकेशन ऑन करने बोलेगा। दोस्तों ऑन करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और जो भी आपका नजदीक वाला स्टेशन होगा यहां पे आपको शो करेगा, इस पे क्लिक कर देना है और जहां पे आपको जाना है यहां पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों मुझे जहां पे जाना है यहां पे सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद देख सकते हैं एक ऑप्शन है यहाँ पे डन, तो डन पे हम क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं लिखा हुआ अडल्ट, तो जितने भी आपको टिकट बुक करना है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों आप देखते हैं 1, 2, 3, 4, यहाँ पे मैक्सिमम आप 4 लोगों को बुक कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं जर्नी टिकट है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे रिटर्न का भी टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, रिटर्न का भी कर सकते हैं, तो मैं जर्नी का ही बुकिंग करूंगा। उसके बाद देख सकते हैं आपका यहाँ पे दिखा देगा, अगर आपके पास कोई बच्चा यहाँ पे जर्नी करेगा तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कोई भी नहीं है तो यहाँ पे 0 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन का टाइप ऑर्डिनरी है, मेल एक्सप्रेस है, सुपर फास्ट है। ऑर्डिनरी मतलब दोस्तों लोकल होता है, मेल है, एक्सप्रेस और सुपर फास्ट है, तो मेरा ऑर्डिनरी लोकल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लास में सेलेक्ट ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं पेमेंट का मेथड है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे 2 तरह से आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। पहले दोस्तों आप देख सकते हैं आर वॉलेट और पे यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। तो दोस्तों अगर आपके पास फोन पे, गूगल पे, डेबिट कार्ड है, ATM कार्ड है, तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाला पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद देख सकते हैं ओके लिखा हुआ है, ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने में दोस्तों आप देख सकते हैं आपका टिकट का प्राइस दिखा देगा, आप कितने लोग हैं। यहाँ पे अडल्ट में आपको दिखा देगा, अगर आपके पास चाइल्ड है तो यहाँ पे आपको शो करेगा यहाँ से आपका कहाँ से कहाँ जाना है, देख सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ देख सकते हैं बुक टिकट, तो इस पे क्लिक करना है। बुक टिकट पे क्लिक करने में दोस्तों ये जो है आपका प्रोसेसिंग में होगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके पास देख सकते हैं आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री रिचार्ज। तो यहाँ पे आप अगर आप पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं तो पेटीएम पे क्लिक करना है। पेटीएम पे क्लिक करने में दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मेक अ पेमेंट, तो इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने में दोस्तों आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों अगर आप अपना पेटीएम वॉलेट से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका नंबर डाल करके उसको वेरीफाई करना है, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट कर देना है। दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे ATM कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, किसी भी से आप पेमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं भीम UPI पे अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप भीम UPI को
डाल करके, जैसे गूगल पे फोन पे इस तरह का डाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको पेमेंट करके हम दिखाते हैं फोन पे से। दोस्तों मैंने यहाँ पे फोन पे का यूपीआई आईडी डाला है, Pay20 पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फोन पे में रिक्वेस्ट चला गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ पे फोन पे को ओपन करता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैंने फोन पे को ओपन किया आप देख सकते हैं पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया। दोस्तों अगर आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आता है तो देख सकते हैं यहाँ पे एक बेल का आइकन होता है, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है पेमेंट करने का ऑप्शन शो करेगा। तो यहाँ पे चलिए पे पे क्लिक करते हैं। पे पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पैसा आपको दिखा देगा, जितना भी होगा आपका टिकट का प्राइस। यहाँ पे दोस्तों आपका फोन पे का यूपीआई पिन डालना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर का टिक है तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना दोस्तों देख सकते हैं आपका जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा इस तरह से। और दोस्तों यहाँ पे आपको डन करना है। डन करने के बाद दोस्तों सीधा हम चलते हैं यूटीएस एप्लीकेशन में। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो है टिकट बुकिंग हो जाएगा। सो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो है टिकट बुकिंग हो गया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको बता रहा है कि यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं इस टिकट को। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात को नोटिस करना, आप देख सकते हैं कि इस जो टिकट बुकिंग कीजिएगा इसका टाइमिंग जो है आप 3 घंटे तक ही इसका जर्नी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस तरह से टिकट बुकिंग कर सकते हैं लोकल ट्रेन का। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप बुकिंग हिस्ट्री को चेक करना चाहते हैं बाद में तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने में दोस्तों आप यहाँ पे आपको शो कर देगा आपका टिकट जो भी होगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपके पास इस तरह का टिकट शो कर देगा। देख सकते हैं दोस्तों मैंने बहुत सारा टिकट बुकिंग किया है। तो दोस्तों इस तरह से आप यूटीएस के थ्रू जनरल टिकट बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि हम जनरल ट्रेन का टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। तो अगर आपको कुछ पूछना नीचे में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है आपसे किसी